तालिबान के कब्जे वाले मुल्क अफगानिस्तान का शहर काबुल किसी समय सिखी का प्रमुख केंद्र रहा। गुरु नानक ने जेड़ी चक्की बाबर की जेल में पीसी वह अज भी काबुल दे विच पई है। बाबे नानक के चरणों ते सिर रख के अपनी कामयाबी की दुआ बाबर ने काबुल शहर दे विच मंगी सी। काबुल के हट्टे कट्टे अफगान भी किसी समय सिख बनते सन, पर अज जद्दी सिखा नूं अफगानिस्तान छड़ के बेगाने मुल्क हिंदुस्तान विच शरण क्यों लैनी पै रही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बहुत सारे सरूप सन अफगानिस्तान विच, उन्हां गुरु के सरूपों का की बनिया? की सारे सरूप वापस भारत विच आ चुके हैं? जिवें असीं पाकिस्तान के गुरधामां के दर्शन करन जांदे हां, कोई सिख अफगानिस्तान के गुरद्वारे देखण क्यों नहीं जांदा? मक्के मदीने की यात्रा तो बाद गुरु नानक पातशाह अफगानिस्तान विच क्यों आए? बहुत सारे इतिहासक पक्षां ते चानणा पाउंदी वीडियो अखीर तक जरूर देखियो, लाइक ते शेयर करियो, कमेंटां विच अपनी राय जरूर दियो अते साडा चैनल मुल्क पंजाब सबसक्राइब जरूर करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तालिबान की हकूमत वाले देश अफगानिस्तान की गल करते हैं। अफगानिस्तान नाल साडा संबंध अफगानिस्तान बनन तो पहला दा है, क्योंकि इसका नवा नाम है अफगानिस्तान जो अहमद शाह दुरानी के समय तो पिया। इसका पुराना नाम सी खुरासान। दूसरे अरब मुल्क इस चढ़ता पासा आखते सन, क्योंकि इस पासे सूरज उदय हुंदा सी। बाबर के हमले वेले भी यही नाम सी। गुरु नानक पातशाह जी ने अपनी गुरबाणी विच उचारण किया है, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया। इस खुरासान दे विच साडे बहुत सारे इतिहासक अस्थान अते इतिहासक निशानियां हन। अपनी मक्के मदीने की यात्रा तो वापस मुड़दिआं गुरु नानक पातशाह ने चरण पा के खुरासान विच सिक्खी का बीज बीजिया। गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहब ते गुरु हर राय साहब के समय अफगानिस्तान का काबुल शहर तो सिक्खी का केंद्र हुंदा सी। जदों बाबर ने अपनी तलवार के जोर से बहुत सारे पीर फकीर फड़ के जेल दे विच पा ले सन, अपनी फौज वास्ते चक्की पीसन ला ले, ते उस वेले गुरु नानक पातशाह जी नूं पकड़ के भी उसने जेल दे विच डक दिता ते चक्की पीसन ला दिता। गुरु नानक पातशाह इलाही बजद विच गुरबाणी गाउंदे रहे, बाकी कैदी चक्कियां रोक के गुरबाणी सुन रहे सन, पर बाबे नानक दी चक्की अपने आप दाने पीस रही सी। इस करामात की कणसो जदों बाबर नूं मिली, पातशाह दे चरणां ते डिग पिया। बाबर ने बेनती कीती, ऐ खुदा बंदे मैनूं बख्श लो, दसो मैं की सेवा करां। बाबे नानक ने आखिया, बाबर जिन्ने पीर फकीर जेल विच बंद कीते ने सारिआं नूं आजाद कर दे। बाबर ने पल्लियों रासण दे के हर एक कैदी नूं आजाद किया। 1952 दे इतिहास मुताबक गुरु नानक पातशाह दी चक्की दा उपरला पुड़ भाई श्याम सिंह वाली धर्मशाला विच काबुल विच पिया है, अते चक्की दा हेठला पुड़ शाही बाग विच पिया है। अफगानिस्तान दा गुरद्वारा चक्की साहिब बहुत प्रसिद्ध रहा है। काबुल तो 3 किलोमीटर दूर बाबर दे संगमरमरी महल दे नेड़े बाबे दा थड़ा करके एक स्थान बहुत प्रसिद्ध है, जिथे बाबर ने बाबे नानक दे चरणा ते डिग के अपनी कामयाबी लई दुआ मंगी सी। अफगानिस्तान दे विच होर भी बहुत सारे प्रसिद्ध गुरद्वारे हन, ते 1947 दी वंड वेले तां सिखां दा संबंध ही अफगानिस्तान नालों कट्टिया गया, क्योंकि साडा जद्दी घर लाहौर ही साडे लई दूसरा मुल्क हो गया, अफगानिस्तान तां तीसरे नंबर ते रह गया सिखां दे लई, जिस करके साडी सिक्खी दे आगू रहनुमा दा ध्यान अफगानिस्तान वल्लों घटदा गया, ते सिखां दी गिणती भी हौली हौली अफगानिस्तान विच्चों घटनी शुरू होई। किसी वेले काबुल शहर दे विच साडी गिणती हजारां विच हुंदी सी, जिहड़ी बाद विच सैकड़ियां विच ते बाद विच दर्जनां विच रह गई। ते पिछले समय विच जदों अमेरिका ने अफगानिस्तान छड्डिया, तालिबान दी हकूमत कायम होई, उस तो बाद तां उत्थे वसदे होए जद्दी पुश्ती सिखां नूं अपना मुल्क अफगानिस्तान छड्ड के बगाने मुल्क हिंदुस्तान विच पनाह लेनी पई, जिस करके साडी अफगानिस्तान वाली सिक्खी दा साडे धार्मिक अस्थानां दा बहुत नुकसान होया। पर सिक्खी दा कोई भी आगू इस काम लई संजीदा नहीं होया। साडे किसी भी सिखां दे डेलीगेशन ने
तालेबान नाल गुरद्वारियां ते सिखी दी गल करन दा यतन नहीं कीता। साडा सदियां तो अफगानिस्तान नाल सिखी दा संबंध हौली हौली खत्म हुंदा जा रहा है, जो एक चिंता दा विशा है। जे सोच के वेखिए उत्थे बने हुए पुरातन गुरद्वारियां दा भविख विच की हशर होवेगा। जिन्नियां गुरु ग्रंथ साहिब दीआं बीड़ां दसम ग्रंथ दीआं बीड़ां दा जिक्र इतिहास विच आया है, कि उह सारियां बीड़ां हिंदुस्तान विच वापस आ गईआं? कि असीं अफगानिस्तान विचों अपणीआं पुरातन निशानियां पंजाब विच लै आए? जे सिख इस गल लई संजीदा ना होए तां अफगानिस्तान विच सिक्खी दा इतिहास कल्लीआं किताबां विच रहि जावेगा। उत्थों दी तवासवी हकूमत साडे पुरातन गुरद्वारे निशान साहिब अते इतिहासक यादगारां खत्म कर देगी। जिवें अज साडे कनेडा अमेरिका जां बाहरले मुल्कां दे सिख पाकिस्तान विच गुरद्वारा साहिबां दे दर्शन करन जांदे है, उसे तरह अफगानिस्तान दे गुरद्वारे देखण दी साडे अंदर चाहना क्यों नहीं जागदी? क्यों असीं उहनां गुरद्वारियां नालों अपना नाता तोड़ रहे हां जिन्हां नूं सदियां पहलां सिखां ने जाना हूल के बनाया सी? पछमी मुल्कां दे विच असीं अपने सिक्खी दे धार्मिक स्थान बना लए हन, बना रहे हां, पर अफगानिस्तान वाले धार्मिक स्थानां नूं भी सांभण दी लोड़ है। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।